ई मंच फाउंडेशन एवं अन्य सामाजिक संस्था के संयुक्त तत्वावधान में स्वामी विवेकानंद जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस पर ऑनलाइन परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण ई मंच के फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल पर किया गया। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर ई मंच फाउंडेशन व अन्य सामाजिक संस्थाओं राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग प्रादेशिक कान्यकुब्ज ब्राह्मण सभा छत्तीसगढ़ एवं इनिशिएटिव फॉर मॉरल एंड कल्चरल ट्रेनिंग फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय युवा दिवस पर ऑनलाइन परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा में स्वामी जी के छत्तीसगढ़ प्रवास व अन्य उपलब्धियों व उनके विचारों पर विशेष चर्चा की गई। परिचर्चा में बहुआयामी व प्रतिभा की धनी डॉक्टर आशा जैन ने स्वामी जी के आचार विचारों व उपलब्धियों पर चर्चा की। साथ ही विभिन्न सामाजिक संस्थाओं का भी इसमें भरपूर योगदान रहा। यहाँ हम आपको बता दें कि हर बार की तरह इस बार भी ई मंच के फेसबुक पेज एवं YouTube चैनल पर इसका सीधा प्रसारण भी किया गया। पर मैं चाहता हूँ कि रायपुर का जो उनका थोड़ा इतिहास रहा है, सबसे पहले हम उस पे चर्चा कर लेते हैं आपके शब्दों में, फिर मैं उस पे आगे इनिशिएट करूंगा। देखिए, छत्तीसगढ़ और राय और स्वामी विवेकानंद का बहुत गहन संबंध रहा है, और वो संबंध ऐसा है कि जब वो लगभग 14 वर्ष के थे तब उनके पिताजी किसी कार्य से, कार्यालयीन कार्य से, कोर्ट कचहरी के कार्य से रायपुर छत्तीसगढ़ आए थे, और यहां पर उनका 7 महीने रहना हुआ था। तो ये 7 महीने स्वामी जी ने, ऐसा कहते हैं कि बूढ़ापारा में एक बिल्डिंग है जिसके अंदर उन्होंने इतना समय व्यतीत किया, इसको देख के ही बूढ़ापारा में जो बूढ़ा तालाब है उसके अंदर विवेकानंद जी की प्रतिमा स्थापित की गई है और उसको विवेकानंद सरोवर कह रहे हैं हम आज, मगर क्योंकि उसके ठीक सामने उनका रहना हुआ था। अब जब वो 14 साल की उम्र में थे, तो आज एक बच्चे की नजर से यदि मैं कहूं तो बच्चे तो जहां माँ बाप जाते हैं वहां चले जाते हैं, आज तो वो अपने पिता के साथ यहाँ आए, मगर आते वक्त पूत के पांव पालने में दिखते हैं। तो जब वो यहाँ आ रहे थे तब वो एक बैलगाड़ी में आ रहे थे और उस बैलगाड़ी में वो अकेले थे, जिसके अंदर घंटों के ट्रैवल में धीरे धीरे आते आते उन्होंने बहुत चिंतन किया, और ऐसा ग्रंथ कहते हैं कि उस समय उन्हें पहली बार निर्विकल्प समाधि का अनुभव हुआ। अब ये कही हुई बात है, मैं इसके ऊपर फॉर और अगेंस्ट कुछ भी नहीं कहना चाहती, क्योंकि यदि उनको हुआ था या नहीं हुआ था उससे उनके फ्यूचर के कार्यों पे कोई असर नहीं पड़ा। उनकी रुचि हमेशा से, जब वो 5 साल के थे तब से सत्य को जानने की थी। सबसे बड़ी चीज, जब वो अपने घर के सामने एक पेड़ पे लटक के खेल रहे थे तो बच्चों, उनके जो वहां पे क्या बोलते हैं उसको, जो गार्ड है, उसने रोका कि उस पेड़ पे भूत है, तुमको पटक देगा, तुम उसमें मत लटको। उसको लगा ऐसे डराएंगे तो बच्चा डर जाएगा, पहले दिखाओ कहां है भूत, भूत होगा तो हम उसके साथ भी खेलेंगे। सो द थिंग इज, व्हाट इज ट्रुथ, हम जो बात मुंह से बोल रहे हैं वो कितनी सत्य है कितनी असत्य है, ये जानने की उनमें हमेशा से रुचि थी। एक देवता की उनने अपने रूम में बहुत बहुत सालों तक पूजा की, फिर एक दिन उनको लगा कि नहीं ये सब गलत है, ये सब देवता वेवता कुछ नहीं होता, उन्होंने उठा के खिड़की से उनको बाहर फेंक दिया जिनकी वो बहुत समय तक पूजा कर रहे थे, क्योंकि उनकी निष्ठा बंधी हुई नहीं थी, उनकी निष्ठा केवल सत्य के प्रति थी। और उस सत्य की खोज में उन्होंने कॉलेज भी किया, वो छत्तीसगढ़ में भी रहे, यहाँ उन्होंने अपने पिता के साथ जो कार्य में सहयोग किया, उसके अलावा एक टीनेजर जो होता है उसके अंदर बहुत सारे उथल पुथल होते रहते हैं, और उसमें यदि वो केवल सत्य जानना चाह रहे थे तो मैं ऐसा समझती हूँ कि उस समय उन्होंने बहुत सोचा होगा जो तत्कालीन परिस्थितियां हैं, जो उस समय छत्तीसगढ़ तो उस समय भी पिछड़ा हुआ थोड़ा क्षेत्र था, बहुत सारे यहाँ पर आदिवासी वर्ग रहते थे, बहुत ज्यादा धन धान्य से संपन्न नहीं था, मगर जो समृद्धि थी वो धान का कटोरा तो ये था और है। तो बेसिकली लोगों की दिनचर्या को ऑब्जर्व करना, वो जहां भी रहे, चाहे वो कलकत्ता रहे, चाहे वो छत्तीसगढ़ रहे, या और भी वो जो आज का झारखंड है, देवघर, उन सब एरियाज में रहे, इलाहाबाद, प्रयाग, सब जगह गए, उन्होंने हमेशा सोचा कि यहाँ के लोग
मीन्स व्हाट इज द की, ये लोग किस चीज से चल रहे हैं, इनको कौन सा इनका मोटिवेशन है जो इनको संचालित कर रहा है। और इस गहन खोज के बाद जो उनके अंदर बचपन से चलती रही कि सच क्या है और कोई भी व्यक्ति कार्य क्यों कर रहा है, जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, वो इस निष्कर्ष के पर पहुंचे कि मैं ही नहीं संपूर्ण संसार, हर जीवित व्यक्ति, हर जीवित जीव केवल और केवल सत्य की खोज कर रहा है। और वो सत्य कैसा है, वो सत्य ऐसा सत्य है जिससे कि वो हर तरह के बंधनों से मुक्त हो जाता है। और अब यदि हम बात करें, ये बहुत ट्राइट वर्ड है, बंधन से मुक्त हो गए। बंधन क्या है? हम अपने आप को किसी भी सीमा में, किसी भी लिमिट में स्वीकार करना बंधन है। यदि आप अपने आप को ये शरीर समझते हैं, यदि आप अपने आप को किसी और से अलग समझते हैं, यदि किसी जाति में, किसी वर्ग में, स्त्री पुरुष में भी यदि आपने खुद को बांट कर रखा हुआ है, तो ये सारे आपके लिमिटेशन है। ये सारे लिमिटेशन से मुक्त यदि हो जाएं, एक एक क्षण के लिए सारे श्रोताओं से मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक सेकंड के लिए आंख बंद करिए और कल्पना करिए कि आपका शरीर नहीं है। यदि आपका शरीर नहीं है तो जो है क्या उसमें कोई लिमिट है? क्या आकाश में कोई डिफरेंसेस होते हैं कि यहाँ का आकाश और वहां का आकाश अलग है? आज हमने एयर फील्ड्स बनाकर कि ये हमारा एरिया है और ये हमारा एरिया है, आकाश को बांटने का प्रयास किया है, मगर क्या आकाश कभी बटा है? आकाश कभी नहीं बटा। और इसी एब्सोल्यूट को जिसको अनुभव करना वो चाहते थे, और जब उन्होंने अनुभव कर लिया तो उन्होंने सोचा कि इसे मैं शेयर करूं। बहरहाल लोगों ने कार्यक्रम की दिल से प्रशंसा भी की है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।